लेक्चर में हमने मोशन के टाइप्स के बारे में और स्पीड के बारे में देखा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी और वेलोसिटी के यूनिट और किस तरीके का वेलोसिटी क्वांटिटी है, और साथ ही साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम देखने हैं। तो आइए फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में देखा था द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। पिछले लेक्चर में आपने देखा था वेलोसिटी, इसमें क्या कर रहे थे हम कि 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन या 10 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट डायरेक्शन, मीन्स हमने डायरेक्शन की बात की हुई थी। तो ये किस तरीके का क्वांटिटी हो जाएगा? वेलोसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात की जा रही है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और यूनिट की बात करेंगे तो आइए पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इसको इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल वी, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उस पर हम क्या लगाते हैं, एक एरो लगा देते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, शॉर्ट में लिखना चाहें v इज इक्वल टू एस अपॉन टी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और टाइम को सेकेंड में, तो आपका वेलोसिटी का जो SI यूनिट होगा MKS सिस्टम में, SI यूनिट जो होगा यहाँ से क्या निकल के आएगा, मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं ms^-1। जो भी पावर नीचे अगर आता है तो उसको ऊपर चला जाता है वो नेगेटिव पावर के साथ। तो ये आपका वेलोसिटी का यूनिट हो गया। वेलोसिटी की क्वांटिटी की बात करें तो ये एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये थी वेलोसिटी की बात। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कहेंगे तो यहाँ से दो टाइप्स निकल के आएंगे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट और बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मीन्स देखिए 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर ये कि 5 मीटर हम इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हमने क्या ले लिया, टाइम, ये है ले लिया टाइम एक्सिस है ये, और ये हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सिस ले लिया। हमने इस पर कुछ पॉइंट्स बना लिए, ये आपका 5, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब टाइम हमने सेकंड में लिया हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये मीटर में हमने लिया। हम देख रहे हैं कि एक सेकंड, तो एक सेकंड में हमने देखा कि 5 मीटर का कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करता है। मान लीजिए ये कार है और ये कार मूवमेंट कर रही है, और ये एक सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। फिर नेक्स्ट एक सेकेंड और इसको मिलता है और ये 10 कवर कर ली। उसके बाद से नेक्स्ट में, फिर ये नेक्स्ट गई और फिर इसने यहाँ पे क्या किया, कवर कर लिया। इसी तरह हम देखते जा रहे हैं कि पर सेकेंड में क्या देखने को मिलता है, कि पर सेकेंड में ये
आपका ये ग्राफ बन गया। ये जो कार है पर सेकेंड, यहाँ आप देखिए इन दोनों के बीच में एक सेकेंड, इनके बीच में एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, दो एक एक सेकेंड का जो गैप आ रहा है। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, ये 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये हमको देखने को मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन्स अगर शॉर्ट में इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जबकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को हमको मिलता है। जैसे अगर इसको ग्राफ से समझें, यहाँ पे एक सेकेंड, दो, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ टाइम एक्सिस हो गया ये आपका सेकेंड में, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ये मीटर में आपका, फाइव, टेन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव। मीन्स फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने, उसके बाद से सेकेंड में क्या हो रहा है, 20 सेकेंड का 10 मीटर और कवर कर लिया उसने। तो यहाँ पे हमें, और उसके बाद फिर नेक्स्ट में उसने फिर कम कर दिया डिस्प्लेसमेंट, और ये कुछ इस तरीके का मीन्स जो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। इसमें हम क्या देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स व्हेन अ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम तो एक एक सेकेंड का ही लग रहा है लेकिन कभी डिस्प्लेसमेंट उसका 5 मीटर हो जा रहा है, कभी 10 मीटर हो जा रहा है, कभी 20 हो जा रहा है, फिर कभी 5 मीटर, मतलब एट रैंडम चेंजेस हो रहे हैं। इस टाइप्स के वेलोसिटी को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड की अब बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखिए यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा हुआ है इसके साथ, इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स मोमेंट, मतलब कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब वही जब बात वेलोसिटी की कहेंगे, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स देखिए जैसे कोई बॉडी ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक, और उसके टेंथ सेकेंड पे अगर हम उसके स्पीड को मेज़र करते हैं या फिर वेलोसिटी को मेज़र करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या अगर यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन्स यहाँ पर देखिए बस क्या कर देना, यहाँ पे स्पीड की जगह वेलोसिटी कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो है कॉन्सेप्ट था। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे या एवरेज स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी रिलेटेड टर्म्स हैं, बस डिफरेंस ये है स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी वेक्टर, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया भी था। एवरेज वेलोसिटी ये सिंपल इसको कहें तो क्या होता है, एक रेशियो होता है, मीन्स टोटल डिस्टेंस covered upon total time taken by the body। मान लीजिए कोई बॉडी है 5 किलोमीटर पहले ट्रेवल करती है, ये जैसे एक कार है
ये कार है, 5 किलोमीटर फर्स्ट आवर में, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर इसको 2 आवर्स में कंप्लीट करिए। अब इसका टोटल मतलब जो एवरेज इसका स्पीड निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल डिस्प्ले रखेंगे हम 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम 1 प्लस 2। तो अब यहाँ से हम क्या एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, 10/3 मीन्स 3.33 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज स्पीड। यही जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जब कैलकुलेट करना होगा तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, या फिर ये कहें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने इतने टॉपिक्स आज ये देखे, इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू फॉर क्लास।